भाई, इंडिया को ये हो क्या रहा है? सरकार कहती है देश बदल रहा है। जीडीपी को देखें तो इंडिया दुनिया का पांचवां सबसे तगड़ा देश है। देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, लोग शादियों में भर भर कर पैसे खर्च कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ लोग गरीब हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो, 2020-2021 में इंडिया की सेविंग्स रेट 11.5% थी, जो 2022-23 में घटकर 5.1% हो चुकी है, मतलब टोटल 6.4% की गिरावट। अब ये तो कोई छोटी बात है नहीं, इससे साफ पता चलता है कि लोगों के पास पैसों की कमी हो गई है, जिससे वो पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन thewire.in के इस आर्टिकल पर अगर आप एक नजर डालें, तो यहाँ आप देखेंगे कि इंडियंस की इनकम 2014-2015 से 2023 तक लगभग डबल हो चुकी है। इसका मतलब है कि लोगों की इनकम लगातार बढ़ रही है। पर अब सवाल ये आता है कि जब लोग पैसे कमा रहे हैं, इवन पहले से ज्यादा ही कमा रहे हैं, तो वो अपने पैसे सेव क्यों नहीं कर पा रहे? उनका पैसा जा कहाँ रहा है? ये सवाल जब मेरे माइंड में आया, तो मैंने इसके रिगार्डिंग रिसर्च करना स्टार्ट किया, जिससे मुझे पता चला कि लोगों की इनकम तो सही हो रही है, लेकिन पैसा उनके पास रुक नहीं रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में आज यूथ ऐसी गलती कर रहे हैं जो उन्हें गरीब बना रही है। और ऐसी गलती अगर आप करेंगे, तो यकीनन आप भी उनकी तरह हमेशा गरीब रहेंगे और आपका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जिन गलतियों के बारे में बताया है, अगर आपने उसे अवॉइड कर लिया, तो आपका फ्यूचर सेव हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, द फिलॉसफी ऑफ योलो, यू ओनली लिव वंस। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कहती है, ऑन एन एवरेज एक इंडियन अपने एफडी में मुश्किल से 4.25 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है। एफडी जो कि हर इंडियन मिडिल क्लास के बुरे वक्त का सहारा होता है, उसमें भी इतने कम पैसे सेव करना कहाँ की समझदारी है? आई नो आप कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। इस ग्राफ को देखें तो पहले लोग अपने पैसों को अच्छा खासा सेव करते थे, पर अब लोग सेविंग्स से ज्यादा खर्च करते हैं। उन्हें अपने सेविंग्स की कुछ पड़ी ही नहीं है, उन्हें बस किसी भी तरह अभी प्रेजेंट में अच्छे से जीना है। आज के टाइम में 80-90% यूथ योलो फिलॉसफी को अपनी लाइफ का मूल मंत्र मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं। योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस, यानी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हर पल को ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी हो। इस कूल से फिलॉसफी को मानने के चक्कर में लोग जितना कमाते हैं उसका 90% खर्च कर देते हैं। पहले के लोग सोचते थे कि यार जितनी चादर है उतने पैर फैलाऊंगा, लेकिन अब लोगों का मानना है कि चादर छोटी है तो एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेते हैं, यानी लोन ले लेते हैं, और लोन लेकर लोग अपनी जिंदगी के मजे लेने की तो कोशिश करते हैं, जिससे उस टाइम तो उन्हें बहुत मजा आता है, लेकिन फिर लोन का इंटरेस्ट भरने में उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जितना पैसा वो कमाते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट इंटरेस्ट भरने में चला जाता है, और उनके पास गिनने के लिए नोट की एक भी पत्ती नहीं बचती। अब ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है कि योलो फिलॉसफी उनके लिए कितनी खतरनाक है, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी लोग अपने सर पर प्रॉब्लम क्यों लेते हैं, जानने के लिए अगला पॉइंट देखिए। मिस्टेक नंबर 2, इन्फ्लुएंस बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बनाया इसीलिए गया था ताकि लोग एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट कर सकें, पर सोशल मीडिया में लोग दूसरों से जितना सोशलाइज नहीं करते हैं, उससे ज्यादा तो वो दूसरों की कॉपी करते हैं। और ऐसा मैं नहीं बल्कि द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। इस स्क्रीनशॉट को देखिए। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 91% लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर वो किसी इन्फ्लुएंसर के पास आईफोन देख रहे हैं, तो पैसे ना हो लेकिन वो फिर भी आईफोन खरीद लेंगे। आजकल तो लड़कियां सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर फास्ट फैशन अडॉप्ट करती जा रही हैं, जिसमें एक कपड़े को एक बार पहन लिया तो उसे दोबारा नहीं पहनेंगी। अब सोचो, एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी महीने में 30 कपड़े और 365 दिन में 365 कपड़े। ये पैसों की बर्बादी नहीं है तो और क्या है, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियां ऐसे फालतू ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, ताकि वो भी अपने फोटोज वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दूसरों के सामने खुद के शो ऑफ कर सकें। ऐसा करने से जो लोग उन्हें देखते हैं, वो भी उनकी तरह इस ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। इससे एक तरह का लूप क्रिएट होता है, जो मिडिल क्लास लोगों को फंसा कर रखता है। लग्जरी चीजें खरीदने के लिए लोग
लोन तक लेने के लिए तैयार रहते हैं। लाइमेंट के इस आर्टिकल के मुताबिक 53% इंडियंस लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना जितना पसंद नहीं करते हैं, उससे ज्यादा लोन वो लग्जरी हैंडबैग्स और घड़ी खरीदने के लिए लेते हैं। पर असल में इनके जेब में एक पैसा नहीं होता, और जब ये लोग लोन के पैसों के लिए चीजों का दिखावा करते हैं तो देखने वाले इनके चकाचौंध देखकर इनके तरह बनने की कोशिश करते हैं और लोन लेकर शौक पूरे करने की रेस में शामिल हो जाते हैं, जिससे ये रेस तो चलता रहता है, लेकिन इस चक्कर में मिडिल क्लास लोग लोन के बोझ के नीचे दब जाते हैं। मिस्टेक नंबर 3, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर हम साल 2021-2022 के रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में 77.70% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं या जिनके पास अच्छी डिग्री है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात हो तो इंडिया में 100 में से मुश्किल से 27 लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं। वेल, ऐसा नहीं है कि ये 27 लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंस के बादशाह हैं, बस ये लोग जानते हैं अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है, कहाँ पैसों को खर्च करना है और कहाँ बचाना है। ये लोग अपने पैसों को सही तरीके से यूज करते हैं, जो रेस्ट 73% लोग नहीं करते। वो लोग बिना कुछ किए अपने ख्यालों में अमीर बनने का सपना देखते हैं, जो सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि बहुत सी रिपोर्ट कहती है। आपको लग रहा होगा जब लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते होंगे, लोन नहीं लेते होंगे, पर इसके बिल्कुल उल्टा होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन जीरो होने के बाद भी आपको हर किसी के जेब में 3-4 क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, और यही है हमारे यूथ की अगली गलती। मिस्टेक नंबर 4, क्रेडिट कार्ड जेंजी कस्टमर्स। रिसेंट एक सर्वे में पता चला है 69% इंडियन मनी मैनेजमेंट जैसे क्रूशियल हैबिट को इग्नोर करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है पिछले कुछ सालों में लोगों का क्रेडिट कार्ड ड्यूज 30% से बढ़ गया है। अब तक क्रेडिट कार्ड कंपनीज 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, और इसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। इसीलिए बैंक हो या प्राइवेट कंपनी, इनके हाथ में क्रेडिट कार्ड नाम का खिलौना पकड़ा देती है, और ये लोग बंदर की तरह बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड के पैसे खर्च करते जाते हैं, जिससे ये खुद तो कर्ज तले दबते ही हैं, पर साथ अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में पड़कर इतना खर्च कर देते हैं कि इसे संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में लोग मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज के लिए उतना लोन नहीं लेते हैं जितना कि वो अपने पुराने लोन का पेमेंट करने के लिए लेते हैं। इससे बैंक्स को तो फायदा हो जाता है, देश की फाइनेंशियल इकोनॉमी भी ग्रो कर जाती है, पर लोन लेने और क्रेडिट में लाइफ एंजॉय करने के बैड हैबिट के वजह से वो गरीब ही रह जाते हैं, और हालत ऐसी हो जाती है कि उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। राकेश और आलोक को ही देख लीजिए। राकेश और आलोक दोनों ही आईटी कंपनी में काम करते हैं और महीने का 60,000 रुपए कमाते हैं। दोनों फ्रेंड्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राकेश अपनी चमचमाती कार में आता है और आलोक वही पुरानी होंडा में आता है। आलोक को देखकर राकेश कहता है, क्या आलोक, अब तो एक कार ले ले, इतना पैसा कमा कर तू क्या करेगा? मुझे देख, मैंने इसी साल ईएमआई पर नई कार ली है। वेंडर के पास मेरा लग्जरी अपार्टमेंट है, और तुझे देख, तू अभी भी वही है। यार, अब हम अपने कॉलेज में नहीं है, खुद को बदल वरना दुनिया आगे निकल जाएगी और तू पीछे रह जाएगा। ऐसी बातें करके राकेश आलोक पर हंसकर चला जाता है। 5 साल तक दोनों दोस्तों की कोई बातचीत नहीं होती, फिर दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है। आलोक अपनी फैमिली के साथ डिनर पर आता है और देखता है राकेश उस रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है। राकेश की हालत देखकर आलोक उससे पूछता है, आलोक तू यहाँ और ये क्या कर रहा है, तेरे जॉब का क्या हुआ? राकेश बताता है, क्या बताऊँ यार, मुझे लगा था लोन लेकर मैं मस्त अपनी लाइफ जी पाऊंगा, लेकिन लोन के चक्कर में मैं ऐसे फंस गया कि अब मेरे पास घर के बेसिक खर्चों के लिए भी पैसे नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, तू ऐसा मत करना। राकेश की तरह कई लोग यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें पछतावा होता है। लोन लेने वाले की आधी से ज्यादा इनकम इंटरेस्ट भरने में ही निकल जाती है, जिससे उनके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा बचता ही नहीं है। अब इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया में सिर्फ 41.7% लोग अपने पैसे सेव करते हैं और फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बाकी के लोग खाओ पियो मौज करो वाली जिंदगी जीते हैं और अंदर से लोन के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। इन लोगों को इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, SIP जैसी चीजें समझ ही नहीं आती हैं। और अगर आप इन लोगों को इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझाने जाओ भी तो वो यही कहेंगे, भाई शॉर्ट में समझा दे ताकि मैं इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे डबल कर लूं। ये लोग पैसों के बारे में सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते कि पैसा कैसे काम करता है। इन लोगों को लगता है इन चीजों में टाइम देना समय की बर्बादी है,
पर ये वही लोग हैं जो मार्केट चले जाए तो दुकानदार से 100 रुपए कम करने के लिए एक घंटा उनसे बहस कर सकते हैं, पर वहीं फाइनेंस को देने के इनके पास दिन का आधा घंटा भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि देश को आखिर हो क्या रहा है। इन्फ्लेशन रेट है या रॉकेट ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। अगर आपको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या है तो मैं बता दूं, हर साल देश में जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैंने एक साल तक उसे यूज नहीं किया, तो अब अगले साल जब मैं इस पैसे को यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू 6% से कम हो जाएगी। मतलब 1000 रुपए की वैल्यू महंगाई की वजह से 940 हो जाएगी। अब जिन लोगों को इन्फ्लेशन समझ नहीं आती, वो लोग अपने पैसे ऐसे FD में इन्वेस्ट करते हैं जैसे उनसे ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज और किसी के पास है ही नहीं, एंड 7% का इंटरेस्ट पाकर ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्होंने कोई जंग जीत लिया। पर अगर आप देखें तो 6% का इन्फ्लेशन रेट माइनस करने के बाद उनके पास 1% का रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। और ये इन्फ्लेशन रेट भी वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, पर असली रियलिटी कुछ और ही है। हर साल दवाइयों की प्राइस 14% से बढ़ती है। मतलब अगर आपने इस साल 5 लाख रुपए में कोई ऑपरेशन करवाया है तो उस सेम ऑपरेशन को अगले साल करवाने के लिए आपको 5,70,000 रुपए देने पड़ेंगे। सिर्फ मेडिकल नहीं, एजुकेशन के फील्ड में भी इन्फ्लेशन रेट 12% है, जिसका मतलब ये है कि आपकी FD आपके बच्चों की पढ़ाई का आधा खर्च भी नहीं उठा पाएगी। तो अब सवाल आता है कि हम करें तो क्या करें। अब जो हो गया सो हो गया। अगर आपने इनमें से कोई गलती की है या आप लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। साथ ही आप लोन लेना बंद कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने पुराने डेट को चुकाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आपको अपने मनी मिस्टेक्स को भी कम करते रहना है ताकि आप दोबारा लोन के ट्रैप में ना फंसो। और अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सपना देखते हैं तो आपको खुद को जितना हो सके फाइनेंशियल एजुकेट करना चाहिए। इससे होगा ये कि आप ना सिर्फ मनी मिस्टेक करने से बच जाएंगे बल्कि गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से भी बच जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। आई होप अब आप ये मनी मिस्टेक अवॉइड करेंगे और खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने पर फोकस करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।